पीटीटी बीएड 2024 अब की बार कोटा यूनिवर्सिटी इसका एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है, लेकिन काफी विद्यार्थी अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि कोटा से हमें बीएड नहीं करना है। मैं उन तमाम सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि ऐसे कोई भी विद्यार्थी राजस्थान के हैं जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जो विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं, जो बीए बीएड बीएससी बीएड एक साथ करना चाहते हैं, जो ट्वेल्थ इस वर्ष कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों ने ट्वेल्थ कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी 4 साल की बीएड के लिए अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो 2 साल की बीएड के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम का आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इस कन्फ्यूजन के लिए बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि आपके मन में जो सवाल है कि कोटा यूनिवर्सिटी से हमें बीएड नहीं करना है, तो मैं आपकी जानकारी में बता दूँ कि अब की बार पीटीटी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम पहले कोई दूसरी यूनिवर्सिटी करवाती थी, बांसवाड़ा की यूनिवर्सिटी ने पिछले साल करवाया था, लेकिन इस वर्ष आपकी एंट्रेंस एग्जाम वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ही करवा रहा है, जो आपको आवेदन अप्लाई करना है। काफी ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे हैं जो विद्यार्थी इस कंफ्यूजन को लेकर उन्होंने ये आवेदन ही अप्लाई नहीं किया कि हमें कोटा से नहीं करना है। तो मैं आपकी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि एक बार फिर से आपको मौका मिला है, 15 अप्रैल तक डेट बढ़ा दी गई है। सभी विद्यार्थी एक बार इस जानकारी को समझें और अपना बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो समय पर अप्लाई कराएं। जो भी विद्यार्थी अभी तक पेंडिंग है, जिन विद्यार्थियों को इसकी जानकारी सही नहीं थी, उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आपको पीटीटी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है ये फॉर्म समय पर भरवा देना है। ये कोटा यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई होगा। इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर ये 31 मार्च इसकी अंतिम तिथि थी, जिसको बढ़ाकर 15 अप्रैल 2024 कर दिया है। सभी विद्यार्थी, जो भी वंचित अभ्यर्थी हैं, जो बीएड करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी बीएससी बीएड एक साथ 4 वर्षीय कोर्स करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी 2 वर्षीय कोर्स करना चाहते हैं, वो सभी विद्यार्थी इस बात को समझ के अपना परीक्षा का फॉर्म जो है या एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो समय पर अप्लाई करवा दें। इसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, जो विद्यार्थी इस वर्ष 12वीं में हैं उनको 10th की मार्कशीट और 12वीं का प्रवेश पत्र लेके आना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान, ₹500 आपकी फीस है। जो विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी 10th और 12th और आधार कार्ड फोटो साइन और अंगूठे का निशान, और जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो विद्यार्थी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट अंगूठे का निशान, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप तुरंत ई मित्र पे जाइए और अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दीजिए। बीएसटीसी के फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं, जैसे ही बीएसटीसी के फॉर्म शुरू होंगे आप लोगों को जानकारी मैं बता दूंगा, इसका वीडियो भी बना के मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं, जिनको कन्फ्यूजन है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उन सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी, प्रॉपर जानकारी मिले और सभी विद्यार्थी जो है वो समय पर अपना आवेदन लगा पाएं और अपनी 1 साल जो है वो कंजर्व करें। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को साझा करेंगे, सभी के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।